देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा से एक बात मानी जाती है, हमेशा से ये माना जाता है कि सर अगर कोई भी कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और बहुत ज्यादा पुराना हो गया तो फिर उस कोर्स का रिजल्ट कम आने लग जाएगा और उस कोर्स से रिलेटेड मार्केट में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब्स मिलती हैं वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब वो कोर्स बहुत बड़ा नहीं हुआ था, बहुत पुराना नहीं हुआ था और बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था, जब वो कोर्स इतना बड़ा नहीं था, छोटा कोर्स था, छोटा इन द सेंस उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल नहीं करते थे, तब उस वक्त उस कोर्स से रिलेटेड मार्केट में जो जॉब थी ना वो थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उस कोर्स को करके पास नहीं हुए थे, जॉब तब तक फिल नहीं हुई थी। लेकिन जब उस कोर्स को टाइम होने लगा, वो पॉपुलर होने लगा, स्टूडेंट्स उसमें एनरोल होकर पास होकर मार्केट में जॉब लेकर बैठने लगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए और जितनी मार्केट के अंदर जॉब की सप्लाई थी ना वो फिल हो चुकी है पूरी, जितनी डिमांड थी, सॉरी जितनी डिमांड थी वो पूरी फिल हो चुकी है, उतना सप्लाई हो गया, मैन पावर उतना सप्लाई हो गया। अब क्योंकि उस कोर्स से रिलेटेड मार्केट में जॉब कम बची हैं इसलिए रिजल्ट कम दिया जाता है, ये एक ऐसा माना जाता है और ये सच है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दोहराया नहीं है कि ये बात कोई गलत है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, प्रॉपर सही बात है, ऐसा होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देखो, सीए की अगर मैं बात करूं ना, सीए तो बहुत पुराना कोर्स है, तब से चल रहा है ये, 1949 से चल रहा है और तब सीए 1949 में आ गया था, और तब से अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो फिर भी ठीक ठाक रिजल्ट आ जाता था सीए का, बहुत ज्यादा तब भी नहीं आता था, ठीक ठाक आ जाता था, अब तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है सीए का रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर सीए की जो जॉब्स है, मार्केट के अंदर सीए की जो जॉब्स है वो पहले से काफी हद तक फिल हो गई थी, तो सीए का बीच में रिजल्ट बहुत कम हो गया था, अब फिर भी सुधर गया। सीएस अगर आप देखोगे तो 2009 के अंदर बूम पर था, बूम पे 2009, 2010, 2011, 2012 सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का ये बूम था। और क्यों? क्योंकि कोर्स बाहर जो थे तब तक सीएस कंपनी सेक्रेटरी जॉब्स जो है वो पूरी तरह फिल नहीं हुई थी, इसलिए इंस्टीट्यूट जो है आईसीएसआई वो बच्चों को पास कर रहा था और बच्चों को जॉब मिल रही थी। लेकिन आप देखोगे 2013 और 14 में भी माहौल ठीक ठाक रहा, 2015 से तो रिजल्ट बहुत ही डाउन चला गया। हालांकि अब दोबारा से, जब से आप 2019 के बाद से देखोगे तो अब दोबारा से सीएस का रिजल्ट आने लगा। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर सीएमए जो है वो अभी बूम पे चल रहा है, कोई डाउट नहीं है कि बूम पे चल रहा है सीएमए, खूब सारे बच्चे आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, जॉब मिल रही है उनको, क्या इसके साथ भी ऐसा हो जाएगा सर? क्या 2024 में हम जो ये कोर्स कर रहे हैं उसका कोई स्कोप है? हमें करना चाहिए क्या? हमें करना चाहिए ये कोर्स? क्या फ्यूचर में जॉब्स हैं? या फिर सर ऑलरेडी इतने सीए पास हो चुके हैं कि मार्केट में सीएमए की जो जॉब थी वो ऑलरेडी फिल हो गई है, क्या अब हमारा कोर्स का जो रिजल्ट होगा, हमारा पासिंग रिजल्ट होगा वो कम आएगा, क्या हमें ये कोर्स छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब पता है बच्चों, इसका जवाब ना पॉलिटिकली आपको समझना पड़ेगा, इसका जवाब पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, आज पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कहां पर हो रहे हैं? आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्टअप किस देश के अंदर हो रहे हैं? हमारा देश भारत, इंडिया के अंदर हो रहे हैं। इंडिया सबसे ज्यादा स्टार्टअप फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा कंपनीज ओपन हो रही है। अब अगर इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ओपन हो रही हैं और अच्छी खासी कंपनी ओपन हो रही है, प्रॉफिट में जा रही है ये कंपनीज, तो अगर इंडिया के अंदर इतने सारे स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, ये कंपनीज इतने ज्यादा प्रॉफिट के अंदर जा रही हैं, तो मुझे एक बात बताइए, कंपनी सक्सेसफुल है, कंपनी ज्यादा ओपन हुई, सक्सेसफुल भी हो रही है, तो अब उन कंपनीज के अंदर जरूरत किस किस की पड़ेगी? सर
जरूरत सीए की भी पड़ेगी, सीएस की भी पड़ेगी, सीएमए की भी पड़ेगी। ये आज की सिचुएशन है। आज मैं 2024 की बात कर रहा हूं आपसे। 2024 के अंदर 2023 में 24 में इंडिया जो है वो स्टार्टअप के मामले में सबसे ऊपर आता है। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर स्टार्टअप हो चुके हैं, हो रही हैं, कंपनीज नई नई ओपन हो रही है। शार्क टैंक इंडिया, ये सिर्फ ये अगर आप शो देख लोगे ना तो प्रैक्टिकली में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत स्टार्टअप्स आ रहे, सक्सेसफुल हो रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। अब क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं तो जॉब किसको मिलेगी? सीए को, सीएस को, सीएमए को मिल रही है और आने वाले फ्यूचर में मिलती रहेगी। एक बात बताओ, आप ये तो मानते हो 2024 का इलेक्शन जो है वो कहीं हद तक, अब फाइनल रिजल्ट तो देखो वो तो जनता के हाथ में, बट कहीं हद तक हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि आज भी लोग मोदी जी को वोट देना प्रेफर करते हैं। अब इसको ऐसा बोल लीजिए मोदी जी को वोट देना प्रेफर करते हैं, या ऐसा बोल लीजिए कि अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग नाम है नहीं इस वक्त। केजरीवाल थे वो जेल में है इस वक्त, और उनका नाम भी थोड़ा बदनाम तो हो ही गया जेल जाने से। कोई है नहीं स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, और मोदी जी बहुत ही पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली बीजेपी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और बीजेपी अगर दोबारा से जीतती है तो आपको पता है बीजेपी जो है वो अपना टारगेट लेकर बैठी हुई है कि इंडिया को 2025 तक थर्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी बना देना है, उसको तीसरे नंबर पे लेकर आना है। उसके लिए उससे ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स, अब तो इंडिया के अंदर टेस्ला कंपनी जो है वो भी आएगी। अब टेस्ला आएगी तो टेस्ला अपनी ब्रांचेस भी ओपन करेगी, वहां पे जॉब्स मिलेंगी। तो बच्चों आप ये दिमाग से ना मिथ निकाल दो। पता है आपको, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल मोहित बंसल क्लासेस पे ना एक इंटरव्यू है सीएमए जितेश सेन का। किसका इंटरव्यू है? इंटरव्यू है सीएमए जितेश सेन, ये मेरा स्टूडेंट है, 2015 में मुझसे पढ़ा था और इंडिया का यंगेस्ट सीएमए बना था। अब तो शायद कोई दूसरा बच्चा बन गया होगा मेरे ख्याल से, पर उस वक्त ये इंडिया का सबसे यंग सीएमए था। इसका ना इंटरव्यू है, उसमें मैंने इससे क्लियरली दो क्वेश्चंस पूछे बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन तो मैंने इससे ये पूछा कि जितेश, पहला तो स्टूडेंट को ये मिथ होती है कि यार स्कोप नहीं है, तुम क्या बोलते हो? बोला सर धुआंधार स्कोप है। तो कोई बच्चा सच में पढ़ रहा है ना डेडिकेशन से, और वो सीएमए क्लियर कर रहा है, मजेदार स्कोप है, लाइफ मजे से कटने वाली है। और इन तीनों प्रोफेशनल कोर्स सीए, सीएस, सीएमए में से सीएमए इकलौता एक ऐसा कोर्स है जहां सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब मिलती है। फिर मैंने उससे एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा, मैंने कहा यार बच्चों के ना एक और मिथ चलती है उनके दिमाग में, उनके दिमाग में यह कंफ्यूजन चलता है कि यार जो मैंने, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं और जब हम सीएमए बन जाएंगे तो रियल लाइफ में जो हम काम करेंगे वो सिमिलर नहीं है, पढ़ाई का कोई यूज नहीं आता। वो बोला ऐसा नहीं है। उसने एग्जांपल भी दिया था कि सर अभी मैं महिंद्रा कंपनी के अंदर हूं और महिंद्रा कंपनी जो है ना वो एक नई कार का प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, तो उस प्रोजेक्ट को मैं हेड कर रहा हूं, मतलब किसी पोजिशन पर बैठा हुआ हूं, हेड कर रहा हूं उस पोजिशन के अंदर, और हमारा काम यह है कि वो उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाना कि क्या होगा, क्या हो सकता है। और सर ये सब चीजें तो हमने सीएफआर के अंदर पढ़ी थी, ये सब चीजें तो हमने सीएफआर के अंदर भी पढ़ी थी। तो बिल्कुल सर जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल काम आता है, ये मिथ है, ये बच्चों का गलत फहमी है, कंफ्यूजन है। तो बच्चों अगर आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, और अगर आप इस कंफ्यूजन के अंदर बैठे हो, मिसकंसेप्शन गलत फहमी में बैठे हो, शायद मैं ये जो कोर्स कर रहा हूं ये रेपुटेड कोर्स नहीं है या इसका स्कोप नहीं है, भूल जाओ बहुत। और ये जो वक्त है ना, ये जो टाइम है ना इस वक्त, ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इन कोर्सेज को करके क्वालिफाई होके हाथ में डिग्री लेके खड़े हो ना तो आप जॉबलेस नहीं। अब अगर कोई स्टूडेंट कहीं पर जाएगा ही नहीं, जो डिग्री लेके घर बैठ जाएगा, सो जाएगा और बोलेगा यार मैं तो कहीं पे इंटरव्यू देने ही नहीं जाऊंगा, तो थोड़े ना ऐसा होगा। कंपनीज आपको खोजते खोजते घर थोड़ी आएंगे, एक बार तो आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी ना। तो एक बार तो आप जाइए, एक बार तो आप जाइए कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, आराम से हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप कोशिश करोगे तो आपको घर पे बैठना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इसका प्रैक्टिकल बात है कि इंडिया के अंदर इतनी नई कंपनीज ओपन हो रही है ना, सक्सेसफुल कंपनीज ओपन हो रही है, तो ऑब्वियस बात है सीएससीएस सीएमए की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा पता है बच्चों, देखो मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं आप समझिएगा, प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको। जयपुर के, मैं जयपुर की अगर आपसे बात करूं, जयपुर के अंदर बच्चों, जयपुर के अंदर
एक ना गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा पास में, जब मेन रोड पे आते हैं बाहर निकल के, गेट नंबर 2 से बाहर निकल के आते हैं, तो मेन रोड पे चाय की एक टपरी है, छोटी सी चाय की थड़ी है। आपको पता है वो इतना कमाता है ना, चाय वाला इतना कमाता है ना, सुनने में आया है कि दो दो सीए उसकी ऑडिट करते हैं। इसी तरह से एक पान वाला है, एक भगत पान भंडार है, भगत भगत पान भंडार, उसके पास में ऑर्डर आते हैं। जब मुंबई में भी किसी बड़ी सेलिब्रिटी की शादी या फंक्शन होता है ना, तो एक उसको स्टॉल लगाने के लिए बुलाया जाता है, ये उसकी ऑडिट करते हैं। अरे मेरी बात समझ, कहने का मतलब ये है बच्चों की ऐसा तो है नहीं ना सीएससीएस सीएमए ये जो लोग हैं सिर्फ कंपनी, हालांकि कंपनियां बहुत ओपन हो रही हैं, वहां भी आपको जॉब मिल रही है, और ऐसा तो है नहीं सिर्फ कंपनीज में जॉब करते हैं, ये खुद की फर्म भी ओपन करते हैं, ये खुद की फर्म भी ओपन करते हैं। तो जॉब ही जॉब है, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए। तो फिर से बोलता हूं, अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि मैं क्या सही कोर्स कर रहा हूं, आप बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे टाइम पर कर रहे हैं, आप इसको फुल मोटिवेशन डेडिकेशन से करते रहिए, बहुत अच्छा आपका फ्यूचर है, ये गारंटीड है। बच्चों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सीए सीएमए से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज़ है वो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल ऐप और वेबसाइट का लिंक दिया है, वो भी ज्वाइन कर ले। और ये वीडियो अगर आपको लगता है आपका कोई भी फ्रेंड कंफ्यूज्ड है इन कोर्सेज से, तो फिर बच्चों उनके पास में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसका भी ये मिसकंसेप्शन गलतफहमी दूर हो, वो भी एक पॉजिटिव वाइब के साथ में, फुल डेडिकेशन के साथ में, खुशी के साथ में, स्माइलिंग फेस के साथ में पढ़ना शुरू। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।